पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय निमाताबाद नगर पालिका क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 11 भाग संख्या 1 मवई खुर्द में डायरिया से एक बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि एक ही परिवार के 4 बच्चे डायरिया के प्रकोप से ग्रसित पाए गए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 3 बच्चों का पीपी सेंटर मुगलसराय में इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार इलाजरत 3 बच्चों की स्थिति अब सामान्य है। डायरिया के प्रकोप से मौत की जानकारी मिलते ही वार्ड में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई और स्थिति की पड़ताल जुट गए। टीम की प्रारंभिक पड़ताल में ये बात सामने आई है कि परिवार बाहर रहता था, कल ही यहाँ अपने स्थायी निवास पर पहुंचा और ये घटना सामने आई। हालांकि निमताबाद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रविकांत सिंह स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और डायरिया से ग्रसित रोगियों की जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी और उनको बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए एम्बुलेंस लगवा दी। जबकि शहरी क्षेत्र होने के बाद भी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविकांत सिंह मौके पर डटे रहे। परिवार कैसे डायरिया से पीड़ित हुआ इसकी वास्तविक जानकारी करने के लिए आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रहे थे। बता दें कि नगर पालिका पंचायत डीडीयू नगर के वार्ड नंबर 11 के भाग संख्या 1 के निवासी विक्की चौहान के 4 बच्चे गुरुवार की रात में उल्टी व दस्त से ग्रसित हो उठे। सुबह तक हालत बिगड़ती गई और इनकी 3 वर्षीय पुत्री रागिनी की मौत हो गई। बच्चे की मौत और परिजनों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे वार्ड सभासद वंश नारायण चौहान ने अन्य बच्चों सौरभ जूली और सुंदरी की हालत गंभीर देख उन्हें तत्काल पीपी सेंटर मुगलसराय में भर्ती करा। तीनों इलाजरत बच्चों के डायरिया से ग्रसित होने की पुष्टि एवं एक बच्चे की मौत की जानकारी होते ही तत्काल चिकित्सा विभाग की टीम वार्ड में पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। सर अपना नाम ऊपर जी बता। मैं डॉक्टर रविकांत सिंह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नियमतावा। सर क्या कारण है डायरिया का प्रकोप का? डायरिया गंदे पानी और आपको गंदगी की वजह से जनरली फैलता है और आज के दिन जो है मुझे 11:45 बजे सूचना मिला कि एक परिवार को जो है 2-3 लोग जो है डायरिया से इन्फेक्टेड है। हमारी टीम त्वरित तौर पे जो है करीब 15 मिनट में 2 टीम जो है यहाँ पहुँची और यहाँ पर पाया कि ये जो परिवार जो था ये करीब 1 हफ्ते से कहीं अन्य जगह रहता था और करीब 1 या 2 दिन पहले जो है लोग यहाँ 1 दिन पहले यहाँ आए थे और उसके बाद आज जो है यहाँ पे डायरिया का जो केस रिपोर्ट हुआ और त्वरित तौर पे हम मेरी टीम जो है आई और उसका उपचार के लिए पूरा कार्य कर रही है। इसमें से 4 बच्चों की तबीयत गड़बड़ थी जिसमें 1 बच्चे की मौत हो गई, 3 बच्चे का पीपी सेंटर में इलाज चल रहा है। हाँ, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि ये परिवार चूँकि पहले कहीं अन्य जगह रहता था, रात में लोग आए थे यहाँ पे और इस तरह घटना घटित हुआ और 3 बच्चे जो है सीवियर डिहाइड्रेटेड थे तो उनको जो है प्राथमिक उपचार के लिए जो है पीपी सेंटर पर जो है रेफर किया गया है। सर ये इसके लिए क्या जागरूक चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा? स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमें ये जो है निरंतर चलने वाली जो है हमारी प्रक्रिया का पार्ट है। हम लोग हमेशा सफाई व्यवस्था के बारे में हम लोग जागरूक करते हैं कि आपको जो खाना जो है साफ हाथ धो करके खाएं, खाना स्वच्छ खाएं, ताज़ा खाना खाएं और जो सैलो हैंडपम्प का यूज ना किया जाए। पे वाटर का कंटामिनेशन जो है सबसे मेन कारण है डायरिया का, तो हम लोग जो है पानी जो है ऐसे भी बताते हैं कि बरसात के दिन में जो है बॉयल करके उसके बाद छान करके ही पानी का यूज करें। आप अपना नाम और परिचय बताएं। वंश नारायण चौहान सभासद मई खुर्द वार्ड नंबर 11 भाग संख्या 1। अभी डायरिया का कुछ प्रकोप यहाँ पाया गया है, क्या है इसका डिटेल? डिटेल्स ये है कि कल अचानक बच्चों का तबीयत खराब हुआ और उनके एक ही बार मतलब माता पिता के 4 बच्चे थे, उसमें से एक एक्सपायर कर गया, उसका नाम रागिनी है और जो अभी मैंने एडमिट कराया पीपी सेंटर में गुजरात में, उन बच्चों का नाम है सौर्य नाम है और जूली नाम है और एक का नाम है हाँ नाम बोलिए सुंदरी बोलिए सुंदरी। ये कितने बच्चे पीपी सेंटर अभी उपचार चल रहा है? 3 बच्चों का चल रहा है। एक बच्चे की मौत कब हुई है? सुबह ही हुई है। लगभग कितने उम्र थी? 3.5 साल। 3.5 साल। क्या अभी स्वास्थ्य विभाग क्या जांच अभियान चला रही है? हाँ, अभी अपना टीम भेजी है, ब्लॉक से टीम आया है और शिव साहब के भी आदमी लोग आए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे राकेश कुमार गुप्ता जी हैं जो अपना उपचार कर रहे हैं।